इसी का 30 अगस्त को है। चले 200 नमस्कार, मैं उमेश सर जीके राजस्थान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मुझे लग रहा है कि आवाज बंद थी और मैं आप लोगों से माफी भी मांग लिया, और मैं माफी कुछ इस तरह से मांगा था कि मुझे देर हो गई आने में, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है ना। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। जीके राजस्थान द्वारा महामैराथन क्लास है आपके सामने, और महामैराथन क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जो BSTC का हम लोगों का एग्जाम है 30 तारीख को, उस एग्जाम को देखते हुए हमने इन प्रश्नों को संकलित किया है, और ये पूरे के पूरे GS या GK आधारित प्रश्न रहेंगे। मतलब इसमें ज्योग्राफी से लेकर सभी सब्जेक्ट्स के लगभग लगभग प्रश्न रहेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके प्रैक्टिस आप लोग करिए, और इस प्रैक्टिस को गंभीरता से आप लोग देखेंगे एक प्रश्नों को, जो आपसे परीक्षाओं में भी मुलाकात करेंगे। आप लोग जब परीक्षा में बैठेंगे तो इन प्रश्नों की याद आएगी, और लौट के आएंगे तो इन प्रश्नों का बहुत ज्यादा याद आएगी आप लोगों को। चलिए तो प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। जब आजादी थी उससे पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से आएगा। राजपूताना कहलाता था, संयुक्त प्रांत कहलाता था, मध्य प्रांत कहलाता था, या बंग प्रदेश कहलाता था। कमेंट करिए आप लोग। प्रश्न एक के लिए मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं। प्रश्न एक के लिए मेरे भैया आप लोग सभी लोग कमेंट करो। सबको राधा सा और सबको वेरी गुड आफ्टरनून। और प्रश्न का आप उत्तर करिए, प्रश्न एक का मैं आप लोगों का उत्तर देखना चाह रहा हूं। चलिए बिल्कुल यहां आप लोग ध्यान देंगे। चलिए उत्तर करिए जरा, पहले प्रश्न के लिए मैं देख लूं कि कितने लोग उत्तर सही करते हैं। मैं सभी का आंसर देखना चाह रहा हूं कि कितने मेरे भाई सही आंसर करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना कि जो संयुक्त प्रांत है इसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। जो मध्य प्रांत है ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, बंग प्रदेश आप जान ही रहे, पश्चिम बंगाल। एक ही बचा कौन सा, ऑप्शन ए बचा राजपूताना, और राजपूताना यहां पर राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी से पहले राजस्थान क्षेत्र कहलाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, प्रश्न नंबर दो के तब। दो का उत्तर आप लोग करिए, और मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने मेरे भाई इसके लिए राइट आंसर करते हैं। प्रश्न दो के लिए आंसर करिए। प्रश्न दो के लिए दिया गया है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, कर्नल टॉड कहलाते हैं, हेरोडोटस कहलाते हैं, जॉर्ज टॉमस कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता, प्रणेता का मतलब होता है जन्मदाता, जन्मदाता कहलाते हैं, या पिता कहलाते हैं, या फादर कहलाते हैं। आप कमेंट करिए प्रश्न दो के लिए, मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं। प्रश्न दो के लिए कमेंट करिए। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया है। प्रश्न दो के लिए मेरे भाइयों एक बार आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। प्रश्न दो के लिए कमेंट करिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रश्न दो में हम लोग देखें कि जो राइट आंसर होगा ये कर्नल टॉड होगा। खूब पूछा जाता है ये प्रश्न। आज मैं ऐसे प्रश्नों को लिया हूं जो आपसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नल टॉड हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को बिल्कुल रट के रखना, याद करके रखना, यही सब प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर तीन की तरफ। दिया गया है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ताम्र पाषाण संस्कृति मतलब तांबे और पत्थर की संस्कृति कौन सी है, यह प्रश्न मैं कई बार करवाया हूं क्योंकि कई बार आप लोगों से यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आहार संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए। मैं कई बार इस प्रश्न को करवाया हूं आपको, मैं पहले से लिख दे रहा हूं कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देख के इसे नहीं गए तो आपका एक नंबर गलत हो सकता है। प्रश्न तीन के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं। प्रश्न तीस का मेरे मैक्सिमम भाइयों का सी आ रहा है। बिल्कुल मैं एक तरफ से देख पा रहा हूं मैक्सिमम का सी आ रहा है। लक्ष्मी का आ रहा है, पूजा का आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का, राजकुमार का आ रहा है,
मैक्सिमम मानवी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का, रोशन का देख रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का सी आ रहा है और राइट आंसर भी सी है। ये प्रश्न सवा अधिक बार पूछा गया है, इसलिए इसे आप क्लियर रखना। ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आहार संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों होगी। क्लियर रखना आप लोग। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ। चार में क्या दिया गया है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, ऑप्शन ए में दिया गया है कालीबंगा, बी में दिया गया है मिथल, सी में दिया गया है गणेश्वर, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चार भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न चार के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट लिखना चाह रहा हूं। प्रश्न चार में मैक्सिमम भाइयों का सी आ रहा है, यहां आपको ध्यान रखना है जो राइट आंसर हो जाएगा वो गणेश्वर हो जाएगा। जो गणेश्वर है, यहां से तांबा दिया जाता था, तांबे की जो वस्तुएं हैं वो किसके कहां पर दिया जाता था, तो ये दिया जाता था हड़प्पा में। ये प्रश्न भी कई बार आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे गए। आज जो भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्नों को आप क्लियर करेंगे, देखते चलेंगे, क्यूरियस होके जो जरूरत समझ में आएगा उसको आप लोग नोट्स भी करते चलेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर पांच की तरफ। पांच में दिया गया है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप कमेंट करिएगा कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे कर्नल टाड थे क्या, अलेक्जेंडर था क्या, जरतामर था, और डी में दे रहा कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पांच के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाह रहा हूं। प्रश्न पांच के लिए मेरे भाइयों आप लोग कमेंट करिएगा, अलेक्जेंडर तो सिकंदर होता है, तो सिकंदर तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। दो विकल्पों पर आपको ध्यान देना था, कर्नल टाड और जॉर्ज तामर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जॉर्ज तामर हो जाएगा। ये आप लोग क्लियर रखिएगा प्रश्न पांच के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग छह नंबर पे चलते हैं। छह नंबर पे दिया गया है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं, कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं। ये सब के सब प्रश्न आपसे मैक्सिमम बार पूछे गए, जो मैक्सिमम बार प्रश्न बने हैं वहां से हमसे गलतियां ना हो, इसलिए इन प्रश्नों पे विशेष आप लोग ध्यान देंगे कि राजस्थान के किस स्थल से कुंडल रेखा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है आहड़, बी में दिया गया है मिथल, सी में दिया गया है सोथी, डी में दिया गया है कालीबंगा। एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न छह के लिए आप कमेंट करिएगा। प्रश्न छह का मैक्सिमम मेरे भाइयों ने शुरू कर दिया है डी देना, डी और सी, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। यहां पर हम लोग देखें छह का जो राइट आंसर होगा कुंड और हल रेखा पूछा गया है, और राइट आंसर आपका कालीबंगा होगा, और कालीबंगा में मिला है, इसलिए जो डी ऑप्शन दे रहे हैं उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। यहां पे आपको क्यूरियस होना है कुंड और हल, कुंड का मतलब क्या है, आपको सर पढ़ाए होंगे कुंड जो बना था उसके बारे में, और हल के रेखाओं के बारे में कहां से पता चला है, कालीबंगा से पता चला है। आइए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर सात। सात नंबर में क्या दिया गया है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है। मैं आपसे बताऊं कि एक शिलालेख कोई ना कोई निश्चित रूप से आप लोगों से पूछेगा, और शिलालेख आप लोग क्लियर रखे रहिएगा, शिलालेख से अक्सर आप लोगों से प्रश्न बने हैं। ऑप्शन ए में आप लोगों के सामने दिया गया कि आम जनता को, बी दिया गया है कि पुरोहितों को, सी दिया गया है कि राजकीय कर्मचारी को, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सात के लिए कमेंट करिए, मैं देखना चाहूं कि सात में क्या कर रहे हैं आप लोग। सात का सबसे पहले मानवी का आया है, मानवी का दो आया है, सबसे पहले गर्ग का बी आया है, गुड्डू का बी आया है, मैक्सिमम लोगों का अब भी आना शुरू हो गया, शिव सिंह का भी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का सबका भी आ रहा है एक तरफ से, और राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा पुरोहितों को। राइट क्या हो जाएगा, जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है वो किसको संबोधित है, किसको समर्पित है, संबोधित लिखेगा या समर्पित लिखेगा, संबोधित लिखेगा या क्या लिखेगा, संबोधित या समर्पित लिखेगा, ध्यान रखना आप लोग, संबोधित या समर्पित लिखेगा तो आप कहेंगे कि जो पुरोहित है उन पुरोहितों को क्या समर्पित था।
आइए अगले प्रश्न की ओर, आठ नंबर पर लोग चलते हैं। दिया गया है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त किया, कहां से? मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में किसकी ओर से लड़ा, युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त किया, वो कौन है? क्या वो चंड प्रभुत है, विराट है, अजात शत्रु है, इनमें से कोई नहीं? इस प्रकार के तमाम प्रश्न आप लोगों से बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं। प्रश्न आठ के लिए मेरे भैया आप लोग कमेंट करो। प्रश्न आठ का मैक्सिमम का बी आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। इसी तरह से मैं देखो, मैं यहां ये नहीं बताने आया हूं कि आपको आज ज्ञान जुटाओ, आज आप अपनी जो तैयारी की हो उस तैयारी को जांचो और कहां पर हमसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को आप क्या करो, सुधारो। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिस चैप्टर से बने हैं हमारे परीक्षाओं में, उन प्रश्नों का निचोड़ आप पकड़ो। जब उन प्रश्नों के निचोड़ आप लोग रखेंगे, तो मान लीजिए कि मैं इतने प्रश्न लिया हूं, लगभग 100 से ज्यादा, 125 के लगभग प्रश्नों की संख्या है, उनमें से आपके मैक्सिमम प्रश्न अगर सीधे सीधे फंस जाएं, तो आपके नंबर में क्या कर देंगे, उछाल ला देंगे, इजाफा कर देंगे और राइट आंसर आप लोगों का यहां पर क्या हो गया, बी हो गया। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 9 नंबर पे क्या है, दिया गया है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। ऑप्शन ए सुनिएगा, ए में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में दिया गया समुद्रगुप्त, सी में दिया गया कुमारगुप्त, डी में दिया गया स्कंदगुप्त। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन है? प्रश्न 9 के लिए कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट ले रहा हूं। प्रश्न 9 के लिए, प्रश्न 9 में सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि गुड्डू का आया है ए, और राइट आंसर भी है। यहां पर आपको ध्यान देना है, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 10 की तरफ आते, 10 में दिया गया है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कमेंट करिए, चैलेंजिंग प्रश्न है, मैं देखता हूं कि कितने लोग सही करते हैं। राजस्थान का वह स्थल, में थोड़ा सा इसे लग रहा है कि बड़ा हो रहा है, इसे छोटा करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऑप्शन ए में दिया गया है दर, बी में दिया गया आहड़, सी में दिया गया कालीबंगा, डी में दिया गया क्या, बागोर। 10 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। प्रश्न 10 के लिए आप लोग कमेंट करिए, प्रश्न 10 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। प्रश्न 10 के लिए बिल्कुल 10 का मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम भाइयों का डी आ रहा है, बिल्कुल जो बागोर है, ये बागोर राइट आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं, यहां पर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बागोर। आ जाइए प्रश्न 11 की तरफ, 11वें में लिखा गया है प्रश्न में कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को शराब के लिए समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए में दिया गया सक, बी में दिया गया हूड़, सी में दिया गया गुप्त, डी में दिया गया कुषाण। प्रश्न 11 के लिए कमेंट करिए, सब चैलेंजिंग प्रश्न है और 11 में मैक्सिमम भाइयों का बी आ रहा है। यहां पर आप हूड़ को समझेंगे, हूड़ आप लोगों को ध्यान देना है, हूड़ से संबंधित है। हूड़ ने सदा के लिए क्या समाप्त कर दिया, तो गणराज्य व्यवस्था को समाप्त किया। ये प्रश्न आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, मैं पहले से मोटे अक्षरों में लिख रहा हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जब हम लोग आंसर की लेके आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा गया। इसलिए एक एक प्रश्नों पे आप क्यूरियस होके देखेंगे और जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप उन प्रश्नों को पूछेंगे। आइए प्रश्न 12 के तरफ, 12 नंबर में आपके सामने क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 महाजनपदों की संख्या थी, ये आपको ध्यान रखना है, कितने थे, 16। उनमें से आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा था, क्या मत्स्य था, क्या अवंती था, या दोनों थे, या मगध था, आप कमेंट करिए। इससे आसान प्रश्न तो नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रकार के तमाम प्रश्न हमारे परीक्षाओं में बनते रहते।
प्रश्न 12 के लिए कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं 12 का मैक्सिमम का सी आ रहा है, एक तरफ से इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इतने नाम आ रहे हैं एक तरफ से आप लोगों का, और ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो मगध है, मगध कहां पर है तो आप लोग जानते हैं कि यह है बिहार में, तो इसलिए इसमें हमको माइंड ही नहीं करने हैं। और मत्स्य अवंती कहां थे, राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न 13 के तरफ। 13 में लिखा गया है कि राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि बास्केटबॉल है, बी में दिया गया है कि हॉकी है, सी में दिया गया है क्रिकेट है, डी में दिया गया फुटबॉल है। खूब पूछा जाता है राजस्थान का राज्य खेल क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है। बहुत आसान है लेकिन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस मैराथन में इसे शामिल किया है। आप लोग इसे क्लियर रखिएगा, राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है। 13 नंबर में चलिए, 13 नंबर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान। खूब पूछा गया है, राइट आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन ए में गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, बी में जवाहर अवार्ड है, सी में महाराणा प्रताप अवार्ड है, और डी में राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से आप लोगों से प्रश्न 1 से 2 निश्चित रूप से रहेंगे। 14 हमें कमेंट करिए आप लोग, बिल्कुल 14 का हम लोग देखें, राइट आंसर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड होता है, डी ऑप्शन। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, क्लियर रखिएगा, आप गलती कर सकते हैं, भटक सकते हैं, आपको लगेगा कि राजस्थान में राजस्थान नाम से नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, और मैक्सिमम लोगों का डी आ भी रहा है, और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 में दिया गया है कि राजस्थान में लिंबा राम प्रसिद्ध है, जो लिंबा राम है ये किससे प्रसिद्ध है। ए में दिया गया कबड्डी में, बी दिया गया गायन में, सी दिया गया तीरंदाजी में, डी दिया गया कुश्ती में। यहां आप लोगों को ध्यान देना है कि एक राम भगवान थे अयोध्या में, कहां पर राम भगवान थे अयोध्या में, जहां पर अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको मालूम होगा कि कहां पर पड़ता है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इस समय ये मामला बहुत गर्म भी है, अयोध्या में राम मंदिर अभी बना है। तो राम किससे संबंधित थे, जो अयोध्या वाले राम थे वो किससे संबंधित थे, तो वो रखते थे तीर धनुष रखते थे, और तीर धनुष से हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि तीर धनुष से हम लोग निशाना लगाते हैं, तीरंदाजी का काम करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा, तीरंदाजी। आइए प्रश्न 16 की तरफ, 16 में क्या दिया गया है, लिखा गया है कि मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था, सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाह रहा हूं। प्रश्न 16 के लिए कमेंट करिए एक बार, प्रश्न 16 के लिए, बिल्कुल प्रश्न 16 के लिए कमेंट करिए। यहां आपको ध्यान देना है कि जो सुनीता पुरी है ये भी संबंधित है, वर्षा सोनी भी संबंधित है, इसलिए आप राइट आंसर क्या करेंगे, राइट आंसर यहां पर आप क्या करेंगे, सी करेंगे। जब आपको ऑप्शन में दोनों दिया गया तो सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों संबंधित है, यह प्रश्न भी कई बार बना है। 17 नंबर में मेरे भैया आप लोग देखो, ध्यान से उत्तर दो, एक एक प्रश्न का आप उत्तर दो, और डायरेक्ट आपसे परीक्षाओं में प्रश्न भी बनने वाले हैं, एक एक प्रश्नों को क्लियर होके देखो। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ध्यान में रखना, ऑप्शन ए में तीरंदाजी, बी में नौकायन, सी में निशानेबाजी, डी में दिया गया तैराकी। प्रश्न 17 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। प्रश्न 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, निशानेबाजी, एक तरफ से सब आ रहे हैं, और राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, निशानेबाजी। और तीरंदाजी के लिए आप लोगों को राम ध्यान रखना है, और मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, मेजर से आप सीधा समझना कि मेजर निशाना लगा के गोली मारता है ना, मेजर निशाना लगा के गोली मारता है, इसलिए निशानेबाजी पे हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही कर लीजिए। प्रश्न 18 की तरफ चलते हैं, 18 में दिया गया है कि साइबेरियन सारस क्रॉच के लिए प्रसिद्ध पक्षी बिहार है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव घना पक्षी बिहार है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है या बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट करिए इसीलिए कि साइबेरियन सारस जो क्रॉच होते हैं उसके लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है। आप कमेंट करो, इतना आसान है कि आप कमेंट कर पाओगे। ये आपका गुजरात में हो जाएगा, ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, इसे आप लोग देखोगे तो असम में हो जाएगा, और बनेरघट्टा को आप देखोगे तो कर्नाटका में हो जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, राइट आंसर आपका हो जाएगा केवला देव घाना पक्षी विहार। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न 19 की तरफ चलिए। 19 में क्या दिया गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि जोधपुर के दक्षिण भाग में, बी दिया गया है आप लोगों को कि जोधपुर के उत्तरी भाग में, सी दिया गया है कि अलवर के उत्तरी भाग में, डी दिया गया है कि अलवर के दक्षिणी भाग में। कमेंट करिए प्रश्न 19 के लिए, मैं आप लोगों का कमेंट देखना चाहूं। 19 का यहां पर आप ध्यान रखेंगे, 19 का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के दक्षिण भाग में, डी ऑप्शन यहां पर आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। 20 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया है कि राजस्थान में मिलने वाले प्राप्त हड़प्पाई स्थल हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सोथी, बी में दिया गया है कालीबंगा, सी में दिया गया है कि ए बी दोनों, डी में दिया गया है आहड़। प्रश्न 20 के लिए कमेंट करिए, मैं देखना चाह रहा हूं प्रश्न 20 का। और प्रश्न 20 का मैक्सिमम भाइयों का सी आ रहा है, सभी पढ़ के बैठे हुए हैं, और राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 21 नंबर में आ जाओ, लिखा गया है प्रश्न आपके सामने कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया दीवाड़ा, बी में दिया गया दरगाह, सी में दिया गया शेर, डी में दिया गया गुरु शिखर। देखना एक या दो कोई ना कोई पूछेगा। यहां ध्यान देना है कि गुरु शिखर सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहना कि शेर है। इसलिए राइट आंसर आप यहां पर रखना क्या, सी। आप लोग देखना कि निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, या सबसे ऊंची पूछेगा या दूसरी सबसे ऊंची पूछेगा। दूसरी पूछेगा तो शेर करना, पहली ऊंची पूछेगा तो गुरु शिखर कर लेना। 22 नंबर में दिया गया है क्या, 22 नंबर में दिया गया है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जनजातियां थी। कहां से पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित, स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। कौन सी जनजाति थी, क्या वो सीवी जनजाति थी या अर्जुनायन योद्धे थे या मालव थे या ये सभी थे। प्रश्न 22 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाह रहा हूं 22 का। प्रश्न 22 का कमेंट करिए और 22 के लिए आप लोग उत्तर करिए, 22 का उत्तर करिए मेरे भैया आप लोगों का। मैं देखना चाह रहा हूं 22 का, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं डी आना शुरू हो गया, और सबसे पहले ममता का आया है डी, सबसे पहले किसका आया है, ममता का आया है। चलो मैक्सिमम लोगों का डी आ रहा है 22 का, बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए मैं सभी को शामिल करता चल रहा हूं कि आप लोग एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, जिनमें से कोई भी पूछा जा सकता है और राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सभी। प्रश्न 23 की तरफ आओ, 23 में दिया गया है कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। जो सर्दियों में राजस्थान में हल्का फुल्का बारिश हो जाती है वो किसके कारण होती है, क्या ये भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आने वाले पवनों के कारण होती है, या अरब सागर के वजह से होती है, या बंगाल की खाड़ी की वजह से, या मैक्सिको की खाड़ी की वजह से होती है। यहां आप ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत संभावित रहता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि जलवायु से संबंधित है और जलवायु से प्रश्न आप लोगों से निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यहां पर आप राइट कर लेना क्या, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। 24 नंबर में हम लोग देखते हैं लिखा गया है क्या, 24 नंबर में लिखा गया है कि डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। ऑप्शन ए में दिया गया भुवनेश्वर उड़ीसा से, बी दिया गया कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, सी दिया गया कि नासिक महाराष्ट्र से, डी दिया गया कि रतलाम मध्य प्रदेश से। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना, और यहां से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि बहुत ही चर्चित रेलवे लाइन है,
24 के लिए आप कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देखना चाहूंगा। प्रश्न 24 के लिए मेरे भाई एक बार आप कमेंट करो। प्रश्न 24 का मैक्सिमम का डी आना गुड्डू का, सबसे पहले मैं देख रहा हूं 24 का डी आया बिल्कुल, और राइट आंसर भी जो मध्य प्रदेश का रतलाम है उस रतलाम से जोड़ा जाए, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग क्लियर रखना। प्रश्न 25 की तरफ, 25 में क्या लिखा गया है कि राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है, राजस्थान का अधिकांश भाग किधर की तरफ स्थित है। राजस्थान के सामान्य परिचय से एक प्रश्न जरूर बनेगा और सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न यही है। ऑप्शन ए में दिया गया कि विषुवत रेखा के दक्षिण में, बी दिया गया कि मकर रेखा के दक्षिण में, सी दिया गया कि आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, डी दिया गया कि कर्क रेखा के उत्तर में। यहां मैं आपको बताऊं कि आप इसे पृथ्वी बना लेना, इस बीच वाले भाग को विषुवत रेखा कहते हैं, शून्य अंश अक्षांश, इसे 23.5 अंश कर्क कहते हैं, इसे 23.5 अंश मकर कहते हैं और इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो हमारा राजस्थान यहां पर स्थित है, तो आप उत्तर क्या करेंगे, आप उत्तर करेंगे कि हमारा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन डी यहां पर आप क्या करेंगे, सही करेंगे। प्रश्न 25 के लिए मैं कमेंट देख लूं। प्रश्न 25 के लिए अनिल कुमार का डी आया है, जगदीश का डी आया, मैक्सिमम का डी आ रहा है, सुनील चावला का डी आ रहा है, अनमोल का डी आ रहा है, अनामिका का, मानवी का, मैक्सिमम में भाइयों का डी आ रहा है, एकाध लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सही कर रहे हैं। चलो इसके लिए कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनसंख्या से प्रश्न आएगा, जनसंख्या से, साक्षरता से, इन सबों से प्रश्न जरूर आएगा, 100% हर साल आया है तो इस बार भी आएगा, ध्यान से देखना। लिखा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगा अनुपात कितना है, ऑप्शन ए में दिया गया है 943, बी में दिया गया 928, सी में दिया गया 921, डी में दिया गया है आपको 879। आपको लिंगा अनुपात में बताऊं कि जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष होंगे और महिला होंगे, पुरुष और महिला का अनुपात होना चाहिए, पुरुष 1000 पे महिलाओं का कितना अनुपात है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 26 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाह रहा हूं। प्रश्न 26 के लिए कमेंट करिए बिल्कुल, 26 का मैक्सिमम मेरे भाइयों का बी आ रहा है और राइट आंसर भी आप लोगों का बी ही होगा, और बी कर लीजिएगा मतलब 1000 पर 928 महिलाएं। तो यहां पर आप इस पॉइंट्स को क्लियर रखना, आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं हैं या महिलाओं का अनुपात है, तो भी आप कहेंगे 1028, और संपूर्ण भारत का पूछेगा तो आप कह देना कि 943। अगला प्रश्न 27 नंबर में लिखा गया है कि वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित नहीं है, ध्यान देना, सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि रणथंभौर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बी में दिया गया है कि केवला देव घाना पश्चिम बिहार, सी में दिया गया आप लोगों को कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डी में दिया गया कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आप कमेंट करिए, मैं देखना चाहूं कि कितने लोग राइट करते हैं 27 के लिए। प्रश्न 27 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं देखना चाहूं, देखना यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि तीन है, कौन कौन से, तो आपको ध्यान देना है कि रणथंभौर शामिल है, सरिस्का शामिल है, मुकुंदरा शामिल है, केवला देव पक्षियों से संबंधित है ना कि टाइगर से, किससे संबंधित है ये, तो आप कहेंगे कि सीधा सीधा लिख भी दिया है पक्षियों से शामिल है, पक्षियों का स्वर कहा जाता है, तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, आप लगाइएगा केवला देव घाना पक्षी बिहार। 28 नंबर आइए, आज की प्रैक्टिस आप लोगों की धुआंधार प्रैक्टिस है और इसे बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, मिस ना करिएगा, एक एक प्रश्नों को आप बारीकी से देख चलिएगा। राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है, ऑप्शन ए में दिया गया चूरू, बी में उदयपुर, सी में टोंक, डी में दिया गया झुंझुनू। प्रश्न 28 के लिए कमेंट करिए, 28 के कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, बिल्कुल मैक्सिमम मेरे भाइयों का टोंक आ रहा है और राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। यह प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, टोंक हो जाएगा। प्रश्न 29 में आइए, 29 नंबर में लिखा गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, ध्यान देना तीन प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य पशु का सही सुमिलित समूह कौन सा है, अगर एक भी नहीं जानते हो तो गलत आप कर देंगे।
ऑप्शन ए में दिया गया है कि हरियल हरियल पक्षी है, पीपल क्या है वृक्ष है, चिंकारा क्या है पशु है, या बी में दे रहा है कि गुड़ावल तुलसी और चिंकारा है, सी में दे रहा है कि गुड़ावल खेजड़ी और बाघ है, डी में दे रहा है कि गुड़ावल खेजड़ी और चिंकारा है। प्रश्न 29 के लिए कमेंट करो, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है इसलिए मैं सबका कमेंट देखूंगा कि कितने लोग इसे सही करते हैं। प्रश्न 29 का, 29 का देखो जल्दीबाजी में कुछ सी मार दिए, कुछ सी कर दिए जल्दीबाजी में, मैं देख पा रहा हूं कुछ जल्दीबाजी में, जैसे कुसुम गर्ग का मैं देख रहा हूं गलत कर दी, सोनू का देख रहा हूं गलत कर दिए, जगदीश गलत कर दिए, इसके बाद प्रकाश सिंह गलत कर दिए, मैक्सिमम देखो गलत भी कर दिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दीबाजी में क्यों भाग गए। ये देखे गुड़ावल देखा खेजड़ी देखा बाघ देख ही नहीं रहा है, उत्तर मार दिया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ना, पशु क्या हो जाता है आप देखोगे कि गुड़ावल पक्षी हो गया, पक्षी हो गया, खेजड़ी वृक्ष हो गया, पशु क्या होता है चिंकारा होता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। ऐसे प्रश्नों में जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो आता हुआ प्रश्न आप उत्तर गलत करके भागोगे भी। राइट आंसर यहां पर क्या करना आपको डी करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की तरफ, ध्यान से बताना आप। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2011 विजेता अलवर के राजेंद्र सिंह का मूल पेशा क्या है, राजेंद्र सिंह का मूल पेशा क्या है, क्या ये मृदा संरक्षण से संबंधित है, क्या ये बाघ संरक्षण से संबंधित है, क्या ये जल संरक्षण से संबंधित है, या डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित है, आप कमेंट करिए प्रश्न 30 के लिए। प्रश्न 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 3 के लिए कमेंट करिए, मैं आप लोगों का प्रश्न 30 के लिए कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। यहां पर राइट आंसर आप क्या करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है इसे आप लोग क्लियर रखना, राजेंद्र सिंह किससे संबंधित है, आपका उत्तर हो जाएगा कि जल संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 31 नंबर, 31 नंबर का उत्तर करना आप लोग कि उड़न गिलहरी देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि दोपहर में, बी दे रहा है कि सुबह सुबह में, सी दे रहा है कि सूर्य छिपने के बाद, डी दे रहा है कि मध्य रात्रि में। यहां आप ध्यान रखना कि आपको सबसे अच्छा गिलहरी देखने का जो समय होता है वो सूर्य छिपने के बाद होता है, मतलब शाम के समय आप जाके अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको गिलहरियां मिलेंगी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 को देखिए, 32 में लिखा गया है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया, उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, या जोधपुर में, कहां पर किया गया। 32 के लिए कमेंट करिए आप लोग, 32 के लिए कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट दे रहा हूं। 32 का सी जयपुर, मैक्सिमम लोगों ने उत्तर कर रहा है, मैक्सिमम लोगों ने उत्तर कर रखा है क्या पे, सी कर रखा है, और राइट आंसर हो भी जाएगा जयपुर सी। 33 की तरफ चलिए, लिखा गया है 35 नंबर में कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण, ध्यान देना आप लोग, सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, सप्तम चरण ध्यान रखना। ऑप्शन ए में दिया गया जयपुर, बी में दिया गया अजमेर तथा आबू, सी में दिया गया मत्स्य संघ, डी में दिया गया सिरोही। प्रश्न 35 के लिए कमेंट करो आप लोग, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं प्रश्न 35 का, और 35 के लिए राइट आंसर आप लोग कर भी रहे हैं कि अजमेर और आबू राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी ऑप्शन आप क्लियर कर लेना। प्रश्न नंबर 34 की तरफ, एक एक प्रश्नों को मैं भैया आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछेंगे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे अगर क्लियर नहीं रहोगे तो। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल द्वारा पदनाम दिया गया 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, आप कमेंट करो प्रश्न 34 के लिए, प्रश्न 34 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, 34 का डी आ रहा है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा 1956 ईस्वी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1956 ईस्वी। प्रश्न 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का कमेंट मैं लेना चाहूंगा इस प्रश्न के लिए, और देखूंगा कि कितने लोग सही करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा टाइप उल्टा पुल्टा हो गया, ध्यान से देखेंगे कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर दिया गया है ए ऑप्शन में कि बस्ती चित्तौड़गढ़, सी दिया गया है कि सज्जनगढ़ उदयपुर, डी दे सी दे रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण जो कोटा सवाई माधोपुर बूंदी धौलपुर करौली में है,
और डी दे रहा है कि बंद बरेठा भरतपुर में, तो कमेंट करिए मैं देखूं आप लोगों का कमेंट। मैं प्रश्न संख्या भी बता दे रहा हूं कि 35 है, 35 नंबर का है, आप कमेंट करिए मैं आपका कमेंट देखूं। 35 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 35 का सबसे पहले रोशन प्रजापति का आया है सबसे पहले, इसके बाद आसमीन का आया है, फिर इसके बाद मैक्सिमम लोगों का सी आ रहा है, और राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा का सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर 36 नंबर में चलते हैं। दिया गया है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947 को, बी में दिया गया कि 1 नवंबर 1956 को, सी दिया गया 8 मार्च 1950 को, डी दे रहा है 25 मार्च 1956 को। 36 नंबर के लिए कमेंट करो। 36 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा बी, ध्यान रखना 1 नवंबर 1956। ये प्रश्न आप लोगों से कईयों बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ध्यान रखना इन सभी प्रश्नों को आप लोग। प्रश्न 37 में क्या दिया गया है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन सुनिएगा, ए में दिया गया है कि 1948 ईस्वी में, बी दिया गया कि 1949 ईस्वी में, सी दिया गया कि 1950 ईस्वी में, डी दिया गया 1951 ईस्वी में। तो 37 के लिए कमेंट करो आप लोग, 37 के लिए कमेंट करो मेरे भैया, मैं देख रहा हूं 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। आप ध्यान रखना सीधा सीधा ऐसा प्रश्न आने वाले हैं परीक्षाओं में, सीधा सीधा प्रश्न आएंगे। आप निश्चित रूप से अगर इस सेशन को छोड़ते हो और इन प्रश्नों को आप गंभीरता से नहीं लेते हो तो निश्चित रूप से परीक्षा देके आओगे तो पछताओगे। इसलिए एक एक प्रश्नों को आप देखोगे ध्यान से और उसे सॉल्व करोगे। प्रश्न 38 नंबर में क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। ध्यान देना, नहीं था अजमेर, नहीं था क्या नीमच, नहीं था या औला, नहीं था या जयपुर, नहीं था। प्रश्न 38 के लिए कमेंट करो, मैं सबका देख रहा हूं। प्रश्न 38 के लिए चलो 38 का मैक्सिमम का मैं देख रहा हूं कि डी आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही भी है और राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जयपुर, डी हो जाएगा, क्लियर रखना। प्रश्न 39 में क्या लिखा गया है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे उनका नाम क्या था, क्या उनका नाम मानकरण शारदा था या जमनालाल बजाज था या हरिबिलास शारदा था या सी के एफ वाल्डेयर था। कमेंट करो 39 के लिए, 39 के लिए कमेंट करो आप लोग 39 का। यहां देखना आप शारदा शारदा दो जगह है, कंफ्यूजन मत होना, हरबिलास शारदा है या मनकरण शारदा है। तो आप कहोगे कि हरबिलास शारदा है, इसलिए राइट आंसर आप क्या करेंगे, सी करिएगा। 40 नंबर में उत्तर करिएगा। 40 नंबर में लिखा गया है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजा मंडल की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले से ही लिख दे रहा हूं, इसे आप लोग क्लियर करिएगा। लिखा गया कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजा मंडल की स्थापना हुई, मेवाड़ में, अलवर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में। मैं देखूं 40 नंबर में कितने लोग उत्तर करते हैं सही। 40 का उत्तर मैं देखना चाह रहा हूं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं 40 का। सबसे पहले मानवी का आया है, फिर कुसुम का आया है, फिर केशव का आया है, मैक्सिमम लोगों का आना शुरू हो गया। 40 का मैं देख पा रहा हूं बी सी लाइन लगी हुई है और राइट आंसर आपका 40 का क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही होगा। 41 में आ जाओ। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं या हैं, पंडित झाबरमल शर्मा है, मुनिजीत विजय है, विजय सिंह पथिक है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 41 के लिए कमेंट करिए, 41 के लिए कमेंट करिएगा, 41 के लिए कमेंट करिए और 41 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, पंडित झाबरमल शर्मा हो जाएंगे 41 का ए। 42 नंबर में हम लोग चलते हैं। लिखा गया है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, क्या नीमच छावनी से हुई या एनिनपुरा से हुई या देवली छावनी से या नसीराबाद छावनी से हुई। प्रश्न 42 के कमेंट करिए आप लोगों का, मैं कमेंट देख रहा हूं। प्रश्न 42
42 में आप लोगों का राइट आंसर मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या देते हैं। 42 का राइट आंसर आप लोग डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। जो नसीराबाद छावनी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर आप लोग क्लियर कर लें। प्रश्न 43 नंबर में लिखा गया है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। ऑप्शन ए में अर्जुन लाल सेठी, बी में विजय सिंह पथिक, सी में सेठ दामोदर दास, डी में दिया गया है कि सहसमल बोहरा। आप कमेंट करो प्रश्न 43 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। 43 के लिए आप लोग कमेंट करिए और 43 के लिए आप लोगों का ए ऑप्शन आना शुरू हो गया, अर्जुन लाल सेठी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 43 में ए ऑप्शन। चलिए 44 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। दिया गया है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, कितने राजवाड़े से राजस्थान राज्य बना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18, 16, 19 या 20 कमेंट करिए। 44 के लिए सबका मैं कमेंट चाह रहा हूं कि सब लोग कमेंट करें। प्रश्न 44 के लिए, 44 के लिए कमेंट करिए। और 44 का मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों का सी आना शुरू हो गया है, बिल्कुल, और राइट आंसर भी सी है। 44 का आप लोगों का हो जाएगा 19, 20 नहीं हो पाया, कितना हो गया 19, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 44 का सी। 45 नंबर में, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, राजस्थान में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, क्या 1919 ईस्वी में की गई, 1920 ईस्वी में की गई, 1921 ईस्वी में की गई या 1922 ईस्वी में की गई। आप 45 के लिए उत्तर करिए, 45 के लिए, 45 के लिए उत्तर करिए, मैं आपका उत्तर देखना चाह रहा हूं। 45 के लिए मैं देख रहा हूं सभी का उत्तर, थोड़ा सा मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो मेरे भैया आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वर्तमान समय में क्या है कि आप अच्छा पेपर करो, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, और नाम तो आप लोगों का मैं खूब लूंगा, लास्ट में सबका नाम लिया जाएगा, और पेपर दे के आप आओ, अच्छा पेपर करके आओ, आप सभी लोगों का मैं नाम, उस टाइम आप लोग भी फ्री रहोगे, पेपर दे के हम लोग भी इतनी नाम से पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, सबका नाम लिया जाएगा। नाम के लिए आप लोग नाराज ना होना, पहले अपने भविष्य के बारे में सोचो, और यहां पर आप उत्तर करो 45 के लिए। 45 का 1919 जैसे जीत राम का मैं देख रहा हूं सीधा सीधा, दिलकुश का, जीतराम का, मैक्सिमम लोगों का, रोशन का, मैक्सिमम लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, सीधा 1919 लिखे, ऑप्शन ए आप लोगों का आ रहा है 45 का। एक बार जरा आप लोग कमेंट करो कि आप लोग नाम न लेने की वजह से नाराज नहीं हो, आप कमेंट करो। 46 के लिए कमेंट करो, लिखा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई हुआ है, माणिक्य लाल वर्मा है क्या, पंडित गौरी शंकर है क्या, मोहनलाल सुखाड़िया है क्या, या भोगीलाल पांड्या है। आप 46 के लिए कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं 46 के लिए। 46 का आपका आंसर ए आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही है, और ए यहां पर हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। आइए अगले प्रश्न की ओर, 47 नंबर है। 47 में क्या दिया गया है कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया, ऑप्शन ए में गोकुल दास असावा, बी दिया गया है कि विजय सिंह पथिक, सी दिया गया है कि जोरावर सिंह बारहट, और डी दिया गया है कि मास्टर आदित्येंद्र। आप 47 के लिए कमेंट करो, 47 के लिए, 47 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट दे रहा हूं। जन्नत मालिक आया है कि सर आप सिर्फ रोशन का नाम ले रहे हैं, लीजिए मैं जन्नत आपका भी नाम ले लिया। 47 के लिए कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। 47 का बी हो जाएगा, विजय सिंह पथिक हो जाएगा, ये आप लोग क्लियर रखना, विजय सिंह पथिक। अगले प्रश्न 48 की तरफ मैं चलता हूं। 48 में दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे, ऑप्शन ए में जैसलमेर के थे, बी में बीकानेर के थे, सी में अजमेर के थे, डी में जोधपुर के थे। 48 के लिए कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट देता हूं। 48 के लिए कमेंट करिएगा, 48 के लिए, 48 में कमेंट करिएगा, और 48 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जैसलमेर, और मैं मैक्सिमम भाइयों का देख रहा हूं राइट आंसर ए आ रहा है, जैसलमेर। 49 नंबर में आ जाओ,
49 में जो लिखा गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। ऑप्शन ए में दिया गया करौली, बी में दिया गया उदयपुर, सी में दिया गया जोधपुर, डी में दिया गया कोटा। आप लोग नाम के लिए परेशान हो कि नाम नहीं, और मैं सोच रहा हूं कि आप बढ़िया पेपर करके आओ, अच्छा पेपर करके आओ और हमसे संपर्क करो, और हमसे संपर्क करो। मैं अपने इस लाइव क्लासरूम में आप लोगों को बुलाऊं और बुला के सबसे परिचय कराऊं, आपके सभी भाइयों को से परिचय आपको कराऊं। तो आप लोग लाइव में जुड़िए, आप लोग बेहतर करिए, अच्छा से करिए। मैं आप लोगों को डायरेक्ट लाइव में बुलाऊं और लाइव में बुला के सभी भाइयों से आपका परिचय कराऊं। तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप लोग एक एक प्रश्नों के बस उत्तर देते चलिए। मैं एक एक लोगों का नाम लूंगा, एक एक लोगों को याद करूंगा और बुलाऊंगा। चलिए यहां पर 49 के लिए कमेंट करिए, 49 के लिए, 49 के लिए कमेंट करिए। और मैक्सिमम मेरे भाइयों का ए आ रहा है, मैक्सिमम एक तरफ से। कुछ भरत को मैं देख रहा हूं, भरत द्विवेदी का ए ये लिख भी दिए हैं करौली, और इसी तरह का मुझे उत्तर की अपेक्षा भी थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करौली हो जाएगा 49 का। 50 नंबर का उत्तर करो आप लोग, 50 नंबर में दिया गया है, आधा से अभी कम हम लोग प्रश्न किए हैं, अभी हम लोगों के 75 प्रश्न इसके बाद रहेंगे। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, अभी आउवा ऊपर आया था, और उस आउवा में किस ब्रिटिश एजेंट की हत्या की गई आप लोग बताइएगा। कैप्टन मोक मेनस को, मेसन को, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का, और कर्नल ई बर्ट का, या मैप्टन सावर्स का। आप कमेंट करो 50 के लिए, 50 के लिए आप लोग कमेंट करो। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, 50 का, 50 का ए आना एक तरफ से शुरू है, कुछ लोग ए कुछ लोग सी ऐसे कर रहे हैं। यहां पर मैं बताऊं कि 50 का राइट आंसर आप लोगों का कैप्टन मोंक मेसन हो जाएगा, यहां क्लियर रखना आप लोग। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, इसे क्लियर रखना कि कैप्टन मोक मेसन की हत्या की गई थी। 51 नंबर में आ जाओ, 51 नंबर में लिखा गया है कि गागरोड़ी हिरमन तोते पाए जाते हैं, ऑप्शन ए में सरिसा नेशनल पार्क में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में, रणथंभौर नेशनल पार्क में, केवलादेव घाना पक्षी नेशनल पार्क में। आप 51 के लिए कमेंट करो, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। आप 51 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, बिल्कुल 51 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल सबका आ रहा है एक तरफ से। 51 के लिए कमेंट करो, 51 मैं देखना चाहूंगा आप लोग 51 के लिए क्या कमेंट करते हो। 51 का दो आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम लोगों का दो आ रहा है, और बिल्कुल सही भी आप लोग कमेंट कर रहे हो। जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 52 में आ जाओ, 52 में ध्यान से उत्तर दो, राजस्थान का राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ है क्या, मछली है क्या, कमल है क्या, धनुष है क्या। राजस्थान का राजकीय चिन्ह मैं पहले से ही लिख दे रहा हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसे आप लोग क्लियर रखना। ये प्रश्न आपसे 52 का जो प्रश्न लिखा गया है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। 52 के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, 52 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका देखना चाह रहा हूं। 52 का, 52 के लिए कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं इस बार जरूर देखूंगा कि कौन सबसे पहले करता है 52 में। बिल्कुल सबसे पहले 52 में ममता गर्ग का आया है, और संतु का आया है, पीएम यादव का आया है, और हर्ष कुमार का आया है। मैक्सिमम लोगों का ए आना शुरू हो गया, ए एक तरफ से, और राइट आंसर भी है, अशोक का सिंह स्तंभ है, ये क्लियर रखना। मछली कमल धनुष के चक्कर में मत पड़ना, राइट आंसर अशोक का सिंह स्तंभ है। 53 नंबर में आ जाओ, लिखा गया है कि राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है, एक कुछ ना कुछ राजकीय पूछेगा, एक या मुझे तो लग रहा है कि कम से कम दो तीन पूछ लेगा राजकीय, इसलिए मैंने पक्षी भी ले लिया, पशु भी ले लिया, आप लोगों से तमाम सब लेकर चला जा रहा हूं। राजस्थान का राजकीय नृत्य बता दो, नाच गाना बता दो, नाच बता दो क्या है, क्या डांडिया है, भरतनाट्यम है, घूमर है, या कथक है। आप जानते हो कि कथक भी राजस्थान में है, लेकिन कौन राजकीय लोक नृत्य है ये पूछा जा रहा है। 53 में कमेंट करो, 53 का, 53 का मैक्सिमम मैं देख रहा हूं सी आ रहा है, मैक्सिमम झड़ी लग गई है बिल्कुल। घूमर घूमर करके गाने भी हैं, और घूमर आप लोग खूब डांस भी करते रहते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। 54 नंबर का आपके सामने प्रश्न है और 54 नंबर में लिखा गया है कि पैरा डाइज ऑफ बर्ड पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। बहुत आसान लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन ए में सरिस्का नेशनल पार्क, बी में दिया गया केवला देव नेशनल पार्क, सी में दिया गया कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डी दिया गया कि रणथंभौर नेशनल पार्क। 54 के लिए आप लोग कमेंट करो, ध्यान से कमेंट करो, एक भी गलत नहीं हो जाएगा आपका, सब सही हो जाएगा। केवला देव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है या पैराडाइज ऑफ बर्ड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आप बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन आप लोगों से इतना बार पूछ लिया गया है कि ये आसान प्रश्नों की श्रृंखला में खड़ा होता है। 55 राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, मैं सबसे जानना चाहूंगा, सबका कमेंट देखूंगा, जैसे मैं अभी अगले प्रश्न को देखा इसी प्रकार से इस प्रश्न में देखूंगा, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न से मुझे उम्मीद है कि कोई गलत भी नहीं करेगा इस प्रश्न को, लेकिन सबको सबका देखूंगा कि कोई गलत ना करे। ऑप्शन ए में जालौर, बी में झुंझुनू, सी में दिया गया प्रतापगढ़, डी में दिया गया कोटा। 55 के लिए उत्तर करो आप लोग, 55 के लिए उत्तर करो, 55 के लिए उत्तर करो, मैं सबका देखूंगा, 55 के लिए उत्तर करो। 55 के लिए जीत राम ने गुलाब का फूल भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले भारत का आया है, भारत दिवसी का आया 55 का कोटा, और मैक्सिमम मेरे भाइयों का कोटा आ रहा है, मैक्सिमम एक तरफ से आ रहा है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है। 56 नंबर में आ जाओ, 56 नंबर में दिया गया है कि सेम फैक्स योजना लागू की गई, सेम फैक्स योजना लागू गई, लिखा गया है आपके सामने, आप देख लो, लिखा गया है कि आर ए जे एस आई सी ओ द्वारा, आर सी एफ द्वारा, आर आई आई सी ओ द्वारा, आर एस एम डी सी द्वारा, आप कमेंट करो 56 के लिए, प्रश्न 56 के लिए कमेंट करो, और मैक्सिमम में भाई सही भी करेंगे। प्रश्न 56 का क्या हो जाएगा, रिको हो जाएगा, आप लोग राइट आंसर कर लेना, आर आई आई सी ओ रिको। चलो 57 नंबर का कमेंट करो आप लोग कि अपनी धरती अपनी लोग योजना किस वर्ष आरंभ किया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष आरंभ हुई, 2006 में हुई है क्या, 2007 में हुई है क्या, 2008 में हुई है क्या, 2009 में हुई है क्या। एक एक प्रश्नों को बारीकी से आप देखिए, सुनते चलिए, डायरेक्ट ये सब प्रश्न आपसे मुलाकात करने वाले हैं। 57 नंबर का कमेंट करिएगा और 57 में राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, 2006, इसको क्लियर रखिएगा। कुछ डेट्स से हैं, इन डेट्स को आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान में अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई, राजस्थान में जो अंत्योदय योजना है ये कब प्रारंभ हुई, क्या ये 1977 ईस्वी में हुई, क्या ये 1980 ईस्वी में हुई, क्या ये 1985 ईस्वी में हुई, क्या ये 1987 ईस्वी में हुई, आप 58 के लिए कमेंट करो, 58 के लिए कमेंट करो आप लोग, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 के लिए राइट आंसर करिएगा, 58 के लिए बिल्कुल ए हो जाएगा। यहां पर 1977 मतलब 1977 ईस्वी हो जाएगा, ए ऑप्शन क्लियर रखना। 59 देखना, 59 में लिखा गया है कि संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, क्या 25 मार्च 1947 को, या 25 मार्च 1948 को, या 25 मार्च 1949 को, या 25 मार्च 1947 आपको ध्यान देना है, 47, 48, 49, 50 कमेंट करो 59 के लिए। 59 का मैं सबका कमेंट देखना चाहूंगा कि कितने लोग कर पाते हो, 59 के लिए कमेंट करो आप, 59 में मैं सबका देखना चाह रहा हूं, 59 का सबसे पहले मानवी आया है, दो सबसे पहले मानवी का आया है, इसके बाद दो मानवी का ही लगातार दिख रहा है मुझे, बिल्कुल कुछ लोग ए कुछ लोग बी के चक्कर में है, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर 59 का, 1948 होगा मेरे भैया, ये आप याद रखना। ये सब प्रश्न अगर गलत करके आओगे तो आप जो आपके साथ परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं वो आपसे आगे हो जाएंगे। 1948 याद रखना आप लोग, 25 मार्च 1948। 60 नंबर में आ जाओ,
सात नंबर में दिया गया है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी, संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहां थी, या बूंदी थी, बांसवाड़ा थी, टांक थी, टोंक जिसको कहते हैं आप लोग, या कोटा थी। साठ के लिए उत्तर करिएगा, साठ का उत्तर करिएगा, बिल्कुल साठ का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कोटा, डी हो जाएगा कोटा, डी ऑप्शन साठ में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख रहा हूं और आप लोग इसके लिए कमेंट करना। और यह प्रश्न मैं कह देता हूं कि हो सकता है कि आपसे परीक्षाओं में मुलाकात करे, इसलिए बिल्कुल क्यूरियस होकर उत्तर देना कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। ऑप्शन सुनना, ए में पांच, बी में छह, सी में सात, डी में दिया गया आठ। प्रश्न 61 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें आप लोग उत्तर क्या कर रहे हो। 61 का मैं दे रहा हूं सात, एक तरफ से लिख के आने लगा, सात एक तरफ से आने लगा, बिल्कुल यही उम्मीद भी थी। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा सात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्लियर रखना आप लोग। 62 नंबर में आ जाओ, 62 में, राजस्थान का नाम रायथान, ध्यान देना रायथान किस इतिहासकार ने दिया। ए में दिया गया कि केसरी सिंह बारहट ने, बी दिया गया कि कर्नल टाड ने, सी दिया गया कि जॉर्ज टॉमस ने, और डी दिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने। 62 के लिए कमेंट करो, 62 के लिए, 62 के लिए कमेंट करो आप लोग, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं सात आप सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं और उम्मीद भी थी, बिल्कुल 62 के लिए राइट आंसर यहां पर आप ध्यान रखना बी हो जाएगा कर्नल टाड, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कर्नल टाड। चलो 63 नंबर में आ जाओ, दिया गया कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1947, 1951, 1955, 1959। एक कोई ना कोई इस बी से या डेट से प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए आप जितना मैं बता रहा हूं उतना बस क्लियर करके एग्जाम में बैठना, फिर आप एग्जाम देके ना, जब एग्जाम देके आते हो ना तब जीके राजस्थान चैनल को आप याद करते हो कि नहीं, जो जीके राजस्थान चैनल हमारे साथ मेहनत किया इतना पढ़ाया सब वही फंसा है, ऐसा हम लोग कई वर्षों से रिकॉर्ड भी करते आ रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई। 63 के लिए कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं 63 के लिए, बिल्कुल 63 के लिए कमेंट करो आप लोग, 63 के लिए बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं जासाराम चौधरी का बी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है, और बी जीत राम जी का भी आ रहा है, बिल्कुल सही भी है, और 1951 हो जाएगा, बी हो जाएगा, और कुछ लोग गलत भी कर रहे हो डेट में, पता नहीं क्या आप लोगों को हो जाता है आप गलत कर देते हो, डेट को थोड़ा सा क्यूरियस होकर देखोगे तो कभी नहीं गलत होगा, और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1951। 64 नंबर में आ जाओ, दिया गया कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। ऑप्शन ए में दिया गया श्रीमती वसुंधरा राजे, बी दिया गया श्रीमती सुमित्रा सिंह, सी दिया गया श्रीमती शीला दीक्षित, डी दिया गया कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आप कमेंट करो 64 के लिए। मैं बताऊं कि जब हम लोग एग्जाम देते थे उस दरमियान हम लोग कई छात्र मिलके ग्रुप बना के बैठते थे पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस यही लगाने के लिए, प्रैक्टिस लगाने के लिए, दोहराने के लिए, कंफ्यूजन जो दूर हो उसको हटाने के लिए। आप सोचो कि आप आराम से घर पे बैठे हो, लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हो, देख रहे हो, एक एक चीजों को पढ़ना है, फिर भी हम लोग आलसी होते चले जा रहे हैं। और हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो जब एग्जाम था तो जो दोस्त मित्र हमारे वहां करते थे उनको बुलाते थे और बुला के एक किसी किसी एक एक घर पे किसी रूम में बैठ जाते थे और हम लोग पढ़ाई करते थे। तो आप लोगों को जब इतना सुविधा दिया जा रहा है कि घर घर हम लोग पहुंच रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को दे रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आप क्या करो, कलेक्ट करते चलो, और जो आपके परीक्षाओं में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। 64 के लिए कमेंट करो, 64 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं 64 के लिए, 64 के लिए डी आ रहा है, बिल्कुल एक तरफ से डी आ रहा है 64 का, और 64 का श्रीमती प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, ये क्लियर रखना। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, आपको क्लियर रखना है यहां पर ऑप्शन डी। 65 का उत्तर करो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, हरिदेव जोशी थे, मोहनलाल सुखड़िया थे, जय नारायण व्यास थे। इसे आप कमेंट करो आप लोग, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, अगर जिसको नहीं आ रहा वो ढूंढेगा, इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला।
जिसको नहीं आ रहा है इसका उत्तर ढूंढेगा, ये मैं आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, और कमेंट करके मुझे बताना भी है कि उत्तर क्या है, कमेंट करके मुझे बताना भी है उत्तर क्या है और उत्तर ढूंढ रहा है, ये मैं छोड़ रहा हूं। 66 नंबर बताओ, 66 में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ऑप्शन ए में दिया गया कि बसंत राव पाटिल थे, बी में दिया गया डॉक्टर शंकरानंद थे, सी में दिया गया सरदार हुकुम सिंह थे, डी में दिया गया है कि गुरुमुख निहाल सिंह थे। 66 के लिए कमेंट करो, 66 के लिए। बिल्कुल ए, एक तरफ से हीरालाल शास्त्री शास्त्री जी का नाम आ रहा है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चैलेंज स्वीकार है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद भी थी मेरे भाई कि आप लोग इसी प्रकार से लिखोगे, बिल्कुल सही कर रहे थे। 65 का ए मैक्सिमम ने सही किया। अब 66 के लिए एक बार कमेंट कर दो। 66 का मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग डी करना शुरू कर दिए, बिल्कुल डी, 66 वाले जो कर रहे हैं डी, गुरु मुख निहाल सिंह थे, और राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। आ जाओ 67 के तक। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, क्या 1967 में लगा था, 1977 में लगा था, 1980 में लगा था, या 1992 में लगा था, आप बताओ। 67 का बताओ, बिल्कुल 67 का यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, 67 का आप उत्तर करेंगे, बिल्कुल 67 का बताइए, बिल्कुल 67 का ए आना शुरू हो गया, 1967 बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, 67 का आप लोगों का हो जाएगा ए। अच्छा, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, अब ये सब भी आप लोग गलत करोगे तो फिर दिक्कत है। कितने संभाग हैं, जिले और संभाग पूछे जाते हैं, संभाग भी आप लोगों को याद रखें, ये भी मैं नहीं बताऊंगा कि संभाग कितने, संभाग और जिले आप लोगों को क्लियर रखे हैं, और ये आप लोग कमेंट करो कि कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। चलो एक मैं बता दे रहा हूं, यहां पर आप कर लेना 33। अब संभाग जरा लिखो कि संभाग कितने, संभागों की संख्या आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट देख रहा हूं। ये सब प्रश्न आपसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे और गलत करोगे तो फिर पछताओगे। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यहां ध्यान देना, मैं अनुसूचित पूछ रहा हूं, मतलब एससी पूछ रहा हूं, एसटी नहीं पूछ रहा हूं, और जल्दीबाजी में उत्तर मत देना, मैं एसटी भी आगे वाले प्रश्न में रखे हैं, यहां अनुसूचित जाति पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि डूंगरपुर, बी दिया गया है गंगानगर, सी दिया गया है बांसवाड़ा, डी दिया गया है बीकानेर। तो 69 के लिए कमेंट करो, मैं कमेंट देखा हूं। 69, 7 संभाग, बिल्कुल वेरी गुड यार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल 7 संभाग है, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, खुश कर दिया आपने। नरेंद्र सिंह का मैं देख रहा हूं, इन्होंने 35 जिले 7 संभाग पूरा लिख के भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका, और मैक्सिमम भाइयों का जो लोग सही प्रश्न का उत्तर दिए सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मेरे भाई करो प्रश्न, आप अगर बहुत अच्छा पेपर करके आओगे ना, जब आके बताओगे तो हमारे सीने चौड़े हो जाएंगे और हम बहुत खुश होंगे आपके इस सफलता को सुनने के बाद। आप 69 के लिए उत्तर कर दो एक बार, बिल्कुल 69 के लिए उत्तर कर दो। 69 का जीत राम का आया है कि बी होगा 100%, और बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा श्री गंगानगर। ध्यान देना यहां पर, जो लोग बांसवाड़ा के चक्कर में जा रहे हैं, मैं भाई मैं एसटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं एससी पूछा हूं, और एसटी एससी में अंतर होता है। राइट आंसर यहां पर क्या करोगे, बी करोगे, श्री गंगानगर। आओ 70 नंबर में, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन ए में तांबा, बी में जस्ता, सी में टंगस्टन, डी में दिया गया जिप्सम। 70 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाह रहा हूं। प्रश्न 70 के, बिल्कुल 70 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए तांबा, ए हो जाएगा तांबा। रीजनिंग वाले सर अभी एक सूचना दे के गए हैं कि रीजनिंग की क्लास संडे को चलेगी आप लोगों को, मतलब रविवार में लिख दे रहा हूं, रविवार को चलेगी शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी शाम को, और लगभग 200 से 250 प्रश्न रहेंगे और लगभग 5 घंटे की क्लास चलेगी। और रीजनिंग सर से अभी हमारी बात हुई है, हो रही थी कि सर कह रहे थे कि रीजनिंग जितने भी पूछे जाएंगे एक भी गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, इस तरह से मुझसे बोले हैं। इसलिए संडे को आप लोग शाम 6 बजे सर की क्लास जरूर देखिएगा।
आओ 71 नंबर में, 71 में, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी या यमुना नदी। 71 के लिए, 71 के लिए कमेंट करो। और 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ध्यान रखना चंबल नदी। चंबल नदी से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने खूब प्रश्न करवाया है प्रैक्टिस में, और राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। चलो 72 नंबर में, 72 में आ जाओ, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ, क्या ये 7 अप्रैल 1949 को हुआ, 31 अक्टूबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ या 14 नवंबर 1986 को हुआ। अब कमेंट करो 72 के लिए, 72 के लिए कमेंट करो। बिल्कुल 72 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, आपको ध्यान देना है 1 नवंबर 1956 को हुआ। 73 में आइए, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1947 को, 17 मार्च 1948 को, 17 मार्च 1949 को, 17 मार्च 1950 को, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। 73 के लिए कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं मेरे भैया, आप लोग नाराज मत होना, मैं भी देख रोशन का देख रहा हूँ, सीख मैसेज भागते हुए जा रहा है, संजय का देख रहा हूँ, राजू राम का देख रहा हूँ, दीप का देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का देख रहा हूँ, आप लोग नाराज ना होना, मैं सबका नाम लूंगा, सुनील सैनी का देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का नाम आ रहा है, जीत राम का आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, आप कमेंट करना 73 का, और 73 का आप कर भी रहे 1948, 17 मार्च 1948 आप लोग कमेंट कर रहे हो, और राइट आंसर आपका 77 का भी हो जाएगा। 74 के लिए कमेंट करो, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है, अफीम जानते हो कि अफीम एक नशे के रूप में आप लोग उसका यूज करते हो, ऑप्शन ए में दिया गया कि झालवाड़ा कोटा चित्तौड़गढ़, बी दिया गया कि बांसवाड़ा हनुमानगढ़ श्रीनगर श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर डूंगरपुर और जोधपुर, डी में दिया गया है कि जैसलमेर बाड़मेर और नागौर। 74 के लिए कमेंट करो, 74 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल 74 का ए हो जाएगा, झालवाड़ा कोटा और चित्तौड़गढ़, 74 का ए कर लेना आप लोग राइट आंसर। 75 में आ जाओ, जोगी महल आपसे पूछा जा रहा है कि जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन ए में दिया गया है क्या धौलपुर, बी दिया गया चित्तौड़गढ़, सी दिया गया आप लोगों से रणथंभौर, डी दिया गया है प्रतापगढ़। 75 के लिए कमेंट करो, 75 के लिए, 75 के लिए कमेंट करो, और राइट आंसर आप लोग लिख रहे हो, बिल्कुल मैं देख रहा हूं सी, रणथंभौर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आ जाओ 76 नंबर में, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी, कहां की गई है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहा है, HIGH हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो आप लोग कमेंट करो कि क्या जयपुर में है, जोधपुर में, झालवाड़ा में है या टोंक में है, तो आप कमेंट करो 76 के लिए, 76 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल 76 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, जोधपुर। क्या हो जाएगा 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 76 का राइट आंसर बिल्कुल मैक्सिमम मेरे भाइयों का रहा है, 76 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है 76 का बी। वैसे सबसे पहले जो दिए हैं वो जासाराम चौधरी दिए हैं, सबसे पहले उनका आया है बी। चलिए 77 नंबर में आ जाते हैं, 77 में, राज्य में प्रावैधिक शिक्षा के विकास हेतु एक पृथक निदेशालय की स्थापना हुई, ऑप्शन ए में 1947 ईस्वी, बी में 1951 ईस्वी, सी में 1957 ईस्वी और डी दिया गया 1961 ईस्वी। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर दो सी नंबर, सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा 77 का सी, मैक्सिमम का आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, और 1900 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहां है, दूरस्थ शिक्षा आप लोगों को ध्यान देना है, ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, ऑप्शन ए में दिया गया है जोधपुर में, बी दे रहा है कोटा में, सी दे रहा है बीकानेर में, डी दिया गया है जयपुर में। 78 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, 78 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 78 के लिए कमेंट करिएगा आप लोग, 78 के लिए बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं 78 का
मैक्सिमम भाइयों का बी आ रहा है, बिल्कुल 78 का बी बिल्कुल सही भी है, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा। 79 में आ जाओ, 79 में लिखा गया है कि हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है, क्या कोटपुतली में की गई है, शंगानेर में की गई है, आमेर में की गई है, या कैथून में की गई है। 79 के लिए आप लोग कमेंट करिए, 79 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 79 का राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम मेरे भाइयों का, जैसे गुड्डू का, अशोक का, हिमेश का, दिलकुश का, आरजे का देख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोगों का मैसेज निकल रहा है, पूजा का मैं देख रहा हूं, पूजा यादव है, और आप लोग 79 का कमेंट करो, और 79 का भी बी आप लोग करने लगे, संगानेर, बिल्कुल सही कर रहे हो, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी संगानेर। 80 नंबर में आ जाओ, 80 नंबर दिया गया कि राज्य में औपचारिक, राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया, ये सबसे एक प्रश्न, औपचारिक अनौपचारिक ओपन यूनिवर्सिटी, एक प्रश्न 100% रहेगा, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, क्लियर होके देखना, राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया, क्या 1974 में, 1975 में, 1978 में, 1987 में, एक प्रश्न 100% रहेगा, जैसे आप 100% लिख रहे हो ऐसे मुझे भी अनुभव है, मुझे भी एक्सपीरियंस है कि हर साल एक प्रश्न जरूर पूछे हैं। 80 का उत्तर करो आप लोग, 80 के लिए उत्तर करो, बिल्कुल 80 का मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम का बी आ रहा है, 80 में मैक्सिमम का भी आ रहा है, और बिल्कुल सही है, 1975 हो जाएगा, ये राइट रखना आप लोग, डेट में थोड़ा कुछ आप लोग गलत कर दे रहे हो, जब सन की बात आ जा रही है तो 1975 हो जाएगा। चलो 81 नंबर आ जाओ, लिखा गया है कि गुरु नानक भवन संस्थान कहां स्थित है, गुरु नानक भवन संस्थान कहां स्थित है, क्या बीकानेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, या जोधपुर में स्थित है, 81 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल 81 के लिए कमेंट करो, और 81 का बी आना आप लोगों का शुरू हो गया, और बिल्कुल सही है, बी 81 का बी हो जाएगा, जयपुर, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 82 नंबर में आ जाओ, लिखा गया है कि रामसागर वन विहार कहां स्थित है, रामसागर वन विहार कहां स्थित है, क्या भरतपुर में है, बांसवाड़ा में है, कोटा में है, या धौलपुर में है, आप 82 के लिए उत्तर करिए, 82 के लिए मेरे भाई आप लोग उत्तर करो, मैं आपका उत्तर देख रहा हूं, 82 के लिए मतलब 82 के लिए आप उत्तर करो, 82 का आने लगा आपका उत्तर डी, बिल्कुल धौलपुर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धौलपुर। 83 नंबर में आता, 83 नंबर बहुत आसान है लेकिन खूब पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांभर हो गई, डिडवाना हो गई, पंचभद्रा हो गई, या लूनकरनसर हो गई, आपको ध्यान देना है कि जो सांभर झील है ये विश्व की चौथी सबसे खारी झील है, ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बनता है, चौथी सबसे खारी झील है विश्व की, पूरे विश्व में, और खारी झील है, आपको ध्यान देना है कि इसका खारापन कितना है, तो ये है 205 ग्राम प्रति हजार, मतलब दो एक लीटर पानी में कितना हो जाएगा, 205 ग्राम हो जाएगा, ध्यान रखना, और पूरे भारत की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 83 का। चलो 84 में बताओ उत्तर, जाखम नदी किसी सहायक है, जाखम नदी किसकी सहायक है, लूनी की है, बाणगंगा की है, चंबल की है, या माही की है, 84 के लिए कमेंट करो, जाखम किसकी सहायक नदी है, 84 के लिए, और मैक्सिमम भाइयों का डी आ रहा है, बिल्कुल 84 का आपका हो जाएगा, जाखम किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे माही की सहायक नदी है, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट कर लीजिए। 85 लिखा गया है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, उदयपुर में है, और हल्दी घाटी में है। 85 के लिए कमेंट करिए बिल्कुल, और 85 का राइट आंसर आप लोग बी कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, 85 का बी कुंभलगढ़। 86 में आ जाओ, 86 में लिखा गया है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, और ये मैं लिख दे रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, बताए भी होंगे, सर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सर की तबीयत खराब चल रही है, इस दरमियान बुखार फीवर भी है,
और इसलिए सर को रोका गया कि सर आप बिल्कुल रिलैक्स होके आइए, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, इसी में तबीयत किसी की खराब हो और दिक्कत भी हो सकती है ना। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन ए में लिखा गया है कि सिवाना का युद्ध, बी लिखा गया है कि खातोली का युद्ध, सी लिखा गया है कि सारंगपुर का युद्ध, डी लिखा गया है कि खानवा का युद्ध। तो 86 के लिए कमेंट करो आप लोग, 86 का मैक्सिमम मेरे भाइयों का, जैसे मैं राजू का देख रहा हूं, भारती का देख रहा हूं मैक्सिमम, दुर्राम का देख रहा हूं मैक्सिमम का देख रहा हूं, संतोष का देख रहा हूं मैक्सिमम का भी आ रहा है, और राइट आंसर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, खातोली का युद्ध में हराया था। चलो 87 नंबर में, श्री अजय राज संस्थापक थे अजमेर के, अलवर के, भरतपुर के या चित्तौड़गढ़ के? यहां आप अलवर और अजमेर में हो जाएंगे कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने ऐसा ऑप्शन भी रखा है। आप 87 का कमेंट करो, 87 का आप कमेंट करो, मैं देखूं कि कितने लोग सही करते हो। और 87 का बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आने लगा, अजमेर हो जाएगा। यहां देखो कैसे पकड़ना, अजय लिखा गया ना, अजय देखना, अजय से अज किसमें दो अक्षर मिलते हैं, तो इसमें मिल रहा है दो अक्षर, इसमें सिर्फ अ मिल रहा है, इसलिए इसको खारिज कर देना, इसको कर देना, राइट आंसर आप क्या करना, अजमेर कर देना। 88 में आ जाओ, 88 में राजस्थान का सर्वाधिक आद्र स्थान है, आद्र मतलब ध्यान देना है कि सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान, जहां पर नमी बनी रहती है यह भी ध्यान रखना, जहां पर सर्वाधिक बारिश होने वाला स्थान हो उसे कहा जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया कि भरतपुर, बी दिया गया जैसलमेर, सी दिया गया कोटा, डी दिया गया माउंट आबू। 88 के लिए कमेंट करो, 88 के लिए बिल्कुल 88 के लिए कमेंट करो। यहां देखना आप लोग, जैसलमेर तो ऐसे ही काट दो, गर्म है, भरतपुर काट दो, कोटा काट दो, राइट आंसर क्या कर दो आप, माउंट आबू कर दो। 88 का मैं देख भी पा रहा हूं कि मैक्सिमम मेरे भाई सही भी कर रहे हैं माउंट आबू, कुछ लोग तो लिख के सीधा सीधा भेज दिए, जैसे प्रवीण परिहार का मैं देख रहा हूं, बिल्कुल प्रवीण परिहार का लिख के आ गया है, और जीत राम का बिल्कुल 100% लिख के आ रहा है, कई लोग बाबू मौर्य भी लिख दिए माउंट आबू, बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, दिया गया है कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, क्या उसे सारा कहा जाता है, क्या थार कहा जाता है, कालाहारी मरुस्थल कहा जाता है या सोनोरन? इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता, राइट आंसर आपका हो जाएगा थार का मरुस्थल। आ जाओ 90 नंबर पे, 90 नंबर पे दिया गया है कि जौ का उत्पादन, नब्बे नंबर में क्या दिया गया है, दिया गया है कि जौ का उत्पादन राज्य में किस समय होता है। जौ आप लोग समझ रहे हो कि गेहूं के साथ ही बोया जाता है, तो आप लोग समझ जाओगे, उत्तर कर लोगे, एक आप लोगों से फसल प्रश्न बनेंगे। जौ का उत्पादन राज्य में किस समय किया जाता है, क्या खरीफ में, रबी में, जायद में, या इनमें से सभी में? आप 90 के लिए कमेंट करना, इसके चक्कर में मत पड़ना, इसको मैं काट दे रहा हूं, नहीं तो पड़ जाओगे। 90 के लिए उत्तर करो, 90 के लिए आप लोग करो, 90 के लिए, 90 के लिए आप लोगों को ध्यान रखना कि गेहूं के समय होता है, जो कब होता है गेहूं, और गेहूं का मतलब ही होता है रबी, गेहूं का मतलब ही होता है रबी, है ना, और खरीफ का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे खरीफ का मतलब होता है धान, है ना। इसके बाद जायद का मतलब क्या होता है, तो काकड़ हो जाता है, खीरा हो जाता है, तमाम इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसलिए राइट आंसर आप 90 का क्या करोगे, भी मैं देखूं आप लोग कर ही रहे हो, भी बिल्कुल कर रहे हो, भी बिल्कुल सही है। चलो 91 में आ जाओ, 91 में राजस्थान में, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां बनती हैं? ऑप्शन ए में जयपुर, बी उदयपुर, सी किशनगढ़ में, डी दिया गया चूरू में। 91 का कमेंट करो आप लोग, 91 का बिल्कुल, 91 का आप ध्यान रखना कि मैं आप लोगों को बताया था कि संगमरमर, काला संगमरमर काली जी की मूर्ति भी बनती है, और राइट आंसर आप लोगों को मैं बताया भी था कई बार कि जयपुर हो जाएगा, राइट आंसर आप कर लेना ए जयपुर। 92 राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां स्थित है? राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, ऑप्शन ए में दिया गया है टोंक में, बी दिया गया है बूंदी में, सी दिया गया है झालवाड़ा में, डी दिया गया है कोटा में। आप कमेंट करो 92 का, 92 आप कमेंट करो एक बार, 92 का
और मैं देख रहा हूँ इस टाइम 500 550 के लगभग आप लोग लाइव हो और लाइक बहुत कम की हो। अगर इस भाई का मेहनत आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, देखो ये भाई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, कम से कम एक लाइक तो कर दो उसके एनर्जी के लिए। इतना देर से चिल्ला रहा है, उसकी एनर्जी आपकी लाइक है तो उतना दे दो। एक बार आप लोग लाइक करो, मैं देखूं कितने लोग लाइक करते हो और कितना लाइक भाग के जाता है। एक बार आप लाइक करो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, लाइक देख रहा हूँ। बिल्कुल 337 आप लोग पहुंचाए हो 500 से ऊपर। एक बार कंजूसी नहीं चलेगी, एक बार लाइक करो और यहाँ पर कमेंट करो 92 के लिए। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए में, हो जाएगा टोंक। क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। आ जाओ अगले प्रश्न 93 की तरफ। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान स्थित है, शीशे की खान कहां पर है? क्या अलवर में है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है या बांसवाड़ा में है? आप 93 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल 93 के लिए कमेंट करो। मैं कमेंट देख रहा हूं, 93 के लिए कमेंट करो आप, बिल्कुल 93 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल मैं देख रहा हूं आप लोगों का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा उदयपुर, हो जाएगा सी। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर हम लोग, 94 की तरफ चलते हैं। और लिखा गया है ये प्रश्न देखना, यहां से निश्चित पूछेगा। मंगला बहुत हाईलाइट है इस टाइम, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है? बहुत हाईलाइट है, इसको क्लियर करके जाना। मैं इसको बिल्कुल विद फिगर आप लोगों को दिखाया था और एक एक पॉइंट्स क्लियर किया था। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले से है? बाड़मेर से है, पाली से है, चूरू से है या सीकर से है? 94 के लिए कमेंट करो, 94 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल 94 का मैक्सिमम का बाड़मेर आ रहा है और सही भी है। यहां पर राइट आंसर आप क्या करोगे? ए करोगे, बाड़मेर। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 95 की तरफ। 95 की तरफ, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। राजस्थान का धातु नगर क्या अलवर होगा, बूंदी होगा, बांसवाड़ा होगा या नागौर होगा? 95 के लिए कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देता हूं। 95 का आंसर आप लोग डी कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा नागौर, डी आपका सही हो जाएगा। आ जाओ, दिया गया है 96 का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ऑप्शन ए में रूस, बी में अमेरिका, सी में दिया गया जापान, डी में दिया गया चीन। 96 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखना चाह रहा हूं। 96 में आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता दूं, राइट आंसर आप कर भी रहे हो, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। क्या हो जाएगा? अमेरिका, यूएसए। 97 में आ जाओ आप। 97 में लिखा गया है कि राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर, यहां ध्यान रखना, दो प्रश्न आपको क्लियर करना है। एक तो पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर की स्थापना जाट ने कब की थी? क्या 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में की या 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? किस शताब्दी में की आप बताओ, 97 का। 97 का आप कमेंट करो, बिल्कुल 97 का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर आप लोग ध्यान रखना 18वीं शताब्दी होगा। यह भी प्रश्न आप लोगों से खूब पूछा जाता है। आ जाओ, 100 नंबर बहुत लाने वाला है, 125 पूरे प्रश्न है, पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखो। लिखा गया है कि सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी 1707 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1723 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में। 98 के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, 98 के लिए, और 98 का मैक्सिमम मेरे भाइयों का डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, 1727 हो जाएगा। ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर रखना, डेट वाले में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो रहे हो, इसे लिख लिख के आप याद कर लेना। चलो 99, तारागढ़ किला स्थित है, क्या बूंदी में स्थित है, भरतपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है या फिर ब्यावर में स्थित है? आप कमेंट करो, तारागढ़ किला स्थित है। 99 के लिए आप लोग कमेंट करो एक बार, 99 के लिए, 99 का आप ए कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, बूंदी बिल्कुल सही कर रहे हो, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा 99 का ए, 99 का ए हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है और मैं सोच रहा हूं कि इस पर सभी लोग कमेंट करिए और सभी का मैं कमेंट भी देखूं कि कितने भाई सही करते हैं कि लोहागढ़ किला स्थित है। जो लोहागढ़ किला है ये कहां पर स्थित है? क्या ये जयपुर में स्थित है, धौलपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है या अलवर में स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न जरूर आप लोगों से पूछे जाएंगे और मैं कमेंट आप लोगों का देखूं।
बिल्कुल आप 100 क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करो। राकेश सैनी मैं देख रहा हूँ, किरण का मैं देख रहा हूँ, अशोक है, रोशन प्रजापति है, पीएम यादव है, मनीषा शर्मा है, जीत राम है, कृष्णा है, मानवी है, लक्ष्मी है, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि गोकुल है, सन्नी राठौर है, सोनू है, पीके चौधरी है, पीयूष है, इसके बाद जीत राम है, कई बार जीत राम का आ रहा है, बाबू है, मैक्सिम लोगों का कमेंट, दिलकुश है, राम है, इसके बाद पूजा है, राधा है, मैक्सिम लोगों का मैं देख रहा हूं कमेंट आ रहा है। 100 का एक तरफ से सी आ रहा है, 100 का सबका सी आ रहा है, और आप लोग बहुत अच्छा किए और 100% सी सही है भरतपुर। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, इससे आगे जो प्रश्न हम लोगों का होगा वो 101 नंबर का होगा। 25 प्रश्न अभी भी आप लोगों के बचे हुए हैं, थोड़ा सा आप पानी पी सकते हो, 25 प्रश्न बचे हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप जान दे दो, पढ़ाई का मतलब होता है कि आप आराम से पढ़ो, जितनी चीजों को पढ़ो उतने को क्लियर रखो। अगर आप लोगों को इस जीके राजस्थान द्वारा आप लोगों का जो सहयोग किया जा रहा है अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट करना और लाइक भी कर देना, और आपके इस भाई का लग रहा है कि मेहनत करके लेके आता है, मेहनत से आता है, तो एक बार इस भाई के लिए आप लाइक कर देना, और एक बार जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आप जमकर शेयर कर दीजिए, जरा देखा जाए कि कितना हमारे भाई हमसे जुड़ सकते हैं। 25 प्रश्न है, सभी लोग उसका लाभ उठा लें, एक बार आप लोग शेयर भी कर दो, फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, एक सेकेंड लगता है अपने इस भाई के लिए, एक बार आप शेयर करो। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, जितने भी बना रखे हैं वो शेयर करें। आप सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर देने में लग गए हो, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि सभी लोग उत्तर देने में लगे हो एक तरफ से, कि 101 कहा, 101 का डी मैक्सिमम लोगों ने देने शुरू कर दिया। लिखा गया है कि अजय पाल संस्थापक थे, ओ सॉरी अभी इस प्रकार का मैं प्रश्न करवाया फिर से आ गया, इसीलिए आप लोग बड़ी तेजी से कर रहे हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा अजमेर। अभी मैं बताया अजय पाल से संबंधित, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलो 102 में आप उत्तर करो, दिया गया है कि नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने कराया, जन मां जय हो ने करवाया, इस अगला दिया गया है कि राज सिंह ने करवाया, सी दिया गया कि राणा सांगा ने करवाया, डी दिया गया कि महाराणा कुंभा ने करवाया। 102 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, 102 के लिए कमेंट करिए, और 102 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 102 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 102 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, जय सिंह। चलिए 103 की तरफ हम लोग चलते हैं, दिया गया है 103 में कि राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां स्थित है, ऑप्शन ए में दिया गया कैथून, बी में दिया गया है केकड़ी, सी में दिया गया है कि जहाजपुर, और डी दिया गया है कि बाकलिया। आप कमेंट करो 103 के लिए, आप लोग कमेंट करो, बिल्कुल 103 के लिए, 3 नंबर के लिए कमेंट करिए आप लोग, 3 का राइट आंसर कैथून आ रहा है, बिल्कुल सही है राइट आंसर, यहां पर आप लोगों का 3 का ए हो जाएगा कैथून। अगले प्रश्न की ओर 104 नंबर, 104 में दिया गया है कि उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी, उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी 1554 में, 1559 में, 1559 में, 1577 में, और 1579 में। आप कमेंट करो 104 के लिए, 104 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं आप लोगों का कमेंट, 104 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, 1595 ईस्वी में आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और 104 का यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 105, 105 में दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न बनता है कि मोतीमहल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है, ऑप्शन ए दिया गया है जयपुर में, बी दिया बीकानेर में, सी दिया गया कोटा में, डी दिया गया जोधपुर में। 105 के लिए कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट देखना चाह रहा हूं, 105, और 105 का राइट आंसर आप लोगों का डी आ रहा है, बिल्कुल सही, और राइट आंसर यहां पर आप लोगों का हो जाएगा जोधपुर। 106 के लिए आ जाइए आप लोग, दिया गया 106 में कि राजस्थान प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने दिया, जो वर्तमान नाम राजस्थान का है ये नाम किसने दिया, क्या ये कर्नल टार ने दिया, बीबी लाल ने दिया, मैक्स मूलर ने दिया, या रोमिला थापर ने दिया। 106 के लिए कमेंट करिए,
106 के लिए कमेंट करिए आप लोग, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आपका मैसेज आ रहा है, जैसे मुकेश का आया है जयपुर, और लोगों का आ रहा है बीकानेर जोधपुर ऐसे करके आ रहा है। आप लोग 6 के लिए कमेंट करिए, 6 के लिए कमेंट करिए, 6 के लिए कमेंट करिए, और 6 का करवाए थे अभी बोले थे हम, 6 का आप लोग क्या करेंगे, 6 का बिल्कुल 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कर्नल टाड, कर्नल टाड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रश्न 7 की तरफ, 107 की तरफ। 107 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अभी तुरंत आए थे रीजनिंग वाले सर भी और कहे कि सर मेरी बात बोले कि नहीं संडे वाली, तो मैं कहा कि बोल दिया। संडे को रीजनिंग की क्लास लगी हुई है, लगभग 4-5 घंटे क्लास चलेगी और 200-250 प्रश्न रहेंगे। अगर उतना आप कर लिए तो किसी किताब में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रीजनिंग में जुड़ना। और फिर बोले ये भी कि सर एक बार शेयर करने के लिए बोल दीजिए, तो मैं शेयर करने के लिए आप लोगों को बोल दिया हूं, अपनी जिम्मेदारी समझिए, शेयर करिए। ए में दिया गया है कि टीकाराम पालीवाल, बी दिया गया है कि जयनारायण व्यास, सी हो गया है कि मोहनलाल सुखड़िया, डी दिया गया है कि हरिदेव जोशी। 107 के लिए आप लोग कमेंट करिए, 107 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 107 में राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर रखिएगा। चलिए 108 में आ जाइए, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को है, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, या महात्मा गांधी को है, या हीरा लाल शास्त्री को है। 108 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 108 के लिए कमेंट करिए, और राइट आंसर यहां पर आप लोगों का बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर रखिएगा। लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको, ये भी प्रश्न बनता है, लौह पुरुष के नाम से ही इनको जाना जाता है। 109 नंबर लिखा गया है कि मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मुर्दों का टीला, क्या रंगे राघव है, या संबुदय दया संभु दयाल सक्सेना है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या हरिवंश राय बच्चन है। 109 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 109 के लिए कमेंट करिए, और राइट आंसर आप लोगों का आना शुरू हो गया, रंगे या रागो हो जाएगा, ए नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया। चलिए 110 के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, लिखा गया कि राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, वहां पर मैं करवाया था आप लोगों को एससी, अब जो आप लोग कमेंट करेंगे वो करेंगे एसटी के लिए, ध्यान देंगे आपको जनजाति पे कमेंट करना है, अब आप लोग उत्तर करिएगा। ऑप्शन ए में उदयपुर, बी में भरतपुर, सी में डूंगरपुर, डी दिया गया है बांसवाड़ा। पहले मैं आपसे एससी पूछ चुका हूं, अब आपसे एसटी पूछ रहा हूं, आप 110 के लिए कमेंट करिएगा, 110 के लिए कमेंट करिएगा। अब मैं देखना चाहूं कि आप लोग क्या करते हैं 110 में, 110 के लिए आप लोग उत्तर करिए, और राइट इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उदयपुर, क्लियर रखिएगा। चलिए 111 को देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व वाला ऑप्शन ए में दिया गया उदयपुर, बी में भरतपुर, सी में कोटा, डी में दिया गया जयपुर। तो 111 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, 111 के लिए, 111 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर हो जाएगा, क्लियर रखिएगा। 112 में लिखा गया है कि जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, क्या बनास की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, या बनास को आप काट के कुछ लिख लीजिएगा, घघर लिख देता हूं मैं, घघर लिख देता हूं, और लूनी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी आप कमेंट करिए 112 के लिए, 112 के लिए कमेंट करिएगा, बिल्कुल 112 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा लूनी हो जाएगा या लूनी हो जाएगा, ये कमेंट आप लोग इसके लिए करिए। चलिए 113 में आइए, 113 में लिखा गया है कि काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में झालवाड़ा, बी में बांसवाड़ा, सी में नागपुर, डी में दिया गया है रायपुर। तो 113 के लिए आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल 113 के लिए कमेंट करिए, और 113 का आप लोगों का हो जाएगा ए झालवाड़ा, ए हो जाएगा झालवाड़ा। ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आपसे बन सकते हैं।
चलिए 14 के लिए आप लोग कमेंट करिए, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपको बताना है, सबसे अधिक वाला भी अभी आप लोग देखें, अब सबसे कम घनत्व वाला बताना है, बीकानेर है, जालौर है या बाड़मेर है, आप कमेंट करिएगा प्रश्न 14 के लिए, 14 के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। 14 का ए आना शुरू हो गया, बिल्कुल 14 का आपका जैसलमेर आ रहा है और राइट आंसर भी 14 का हो जाएगा जैसलमेर। 15 नंबर में आपको कमेंट करना है संतरा के लिए, संतरा आप लोग जानते ही हैं नागपुर के बाद संतरा अपने यहां मिलता है, संतरा उत्पादन के दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर क्या कहा किसे कहा जाता है, क्या धौलपुर को, श्रीगंगानगर को, झालावाड़ को या हनुमानगढ़ को। अब भी 115 हो गया, अब भी हम लोगों का मात्र 10 प्रश्न बचा है, आप लोग जोश और उल्लास के साथ अभी क्लास को एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, आप 10 प्रश्न भी बचे हैं, 115 के लिए कमेंट करिएगा, 115 के लिए कमेंट करिएगा आप लोगों, 115 के लिए कमेंट करिए। मैक्सिमम का मैं देख रहा हूं बी सी ए सब आना शुरू हो गया, मानवी का सी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का सी आ रहा है। यहां पर 15 के लिए क्या हो जाएगा, झालवाड़ हो जाएगा या झालवाड़ हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ये आप लोग क्लियर रखना। संतरा के लिए ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है और कई लोग गलत भी कर रहे हो, सी ऑप्शन 115 का सही हो जाएगा। 116 में दिया गया है कि बकरी विकास केंद्र कहां है, बकरी विकास केंद्र कहां है, दो बार हो गया कहां का, ऑप्शन ए में रामसर, बी में दिया गया है कि अजमेरे में, और सी दिया गया है कि बीकानेरे में, और डी दिया गया कि बुलाखेड़े में। आप कमेंट करो वे बकरी, आप बकरी तो जान ही रहे हो, मैं बकरी बना दे रहा हूं बल्कि, तब तक आप कमेंट करो। चार पैर ही होने चाहिए बस, ये बकरी बन गई, आप इस बकरी को बताओ कि बकरी विकास केंद्र कहां पर है, कमेंट करो आप, देखो बकरी कितना अच्छा बना दिया हूं। 116 के लिए कमेंट करो आप, 116 के लिए कमेंट करो आप लोग, मैं देख रहा हूं 116 का मैक्सिमम का सी आ रहा है 100%, जैसे मैं देख रहा हूं एमपीएस का लिख क्या है, बिल्कुल कि 100% आपका सी हो जाएगा और बिल्कुल सही भी है, राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा बीकानेर, बस है बकरी, बस है बीकानेर, आप खड़े रहना इसको। चलो अगले प्रश्न की ओर, 117 नंबर, 117 में दिया गया है कि श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए में मेवाड़ फाउंडेशन, बी में राजस्थान साहित्य अकादमी, सी दिया गया है कि राजस्थान संस्कृति अकादमी, डी दिया गया है कि राजस्थान सिंधी अकादमी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आप लोगों से बने हैं कि श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 117 का मैं सबका कमेंट देखना चाह रहा हूं, 117 का आप लोग कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट देखना चाहता हूं 117 का क्या है। 117 का आप लोगों का सी आना शुरू हो गया, बिल्कुल, और राइट आंसर भी है राजस्थान संस्कृति अकादमी होगा, इसे आप लोग क्लियर रखना, यहां से प्रश्न अक्सर बार आप लोगों से बना है, पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, बार बार मिल रहा होगा ये। आज 118 की तरफ दिया गया है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, क्या ग्रासिया स्त्री से है या सती स्त्री से है, भील स्त्री से या वीरांगना से है, आप 118 के लिए कमेंट करो, बिल्कुल 118 के लिए आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं 118 का मैक्सिमम का सी आ रहा और राइट आंसर यहां पर भील स्त्री हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 119 नंबर में क्या दिया गया है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1974-75 में, 1977-78 में, 1982-83 में, 1986-87 में, आप 119 के लिए कमेंट करिए, 119 के लिए कमेंट करिए, और मैक्सिमम भाइयों का मैं देख रहा हूं 119 का बी आना शुरू हो गया 77-78 में, बी आपका करेक्ट होगा। 120 की तरफ आइए, दिया गया है कि भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है, कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है, 65%, 70%, 75% और 90%, आपके सामने विकल्प दिया गया 120। अभी मात्र 5 प्रश्न बचे हैं, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, 120 के लिए राइट आंसर करिएगा, 120 के लिए, 120 का ए आना शुरू हो गया, 65%, बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 65%। आ जाओ 21 नंबर में आ जाओ आप लोग, दिया गया है कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल किसी भूमि के कितने प्रतिशत हैं, क्या 22% है, 24% है, 30% है, 43%, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी खूब प्रश्न हम लोगों से पूछे गए हैं,
परीक्षाओं में। 21 नंबर का आप कमेंट करो, मैं सबका देख रहा हूं। 21 नंबर, 21 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 30% हो जाएगा सी। यहां पर आप करेक्ट कर लेना। आ जाओ 122 नंबर में। 122 नंबर में दिया गया है कि राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। टायर और ट्यूब बनाने का दिया गया है कि केलवा में, बी दिया गया है कि कोटपुतली में, सी दिया गया है करौली में, डी दिया गया है कि कंकारोली में। आप 122 के लिए कमेंट करिए, मैं आपका देख रहा हूं। बिल्कुल 122 का मैक्सिमम भाइयों का डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 122 का मैं दिखना चाह रहा हूं, 122 का, बिल्कुल 122 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कंकारोली में। क्या हो जाएगा? कंकारोली में हो जाएगा। क्लियर करिएगा आप लोग। बस मात्र 3 प्रश्न आप लोगों के बचे हैं और धैर्य बना के आप इसे देखेंगे ध्यान से। लिखा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसने राजस्थान में ग्रेनिंग अरावली प्रोजेक्ट को सहयोग किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपसे प्रश्न, ये भी बन सकता है, मैंने छांट छांट के प्रश्नों को रखा है। ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में इंग्लैंड, सी में जापान, डी में दिया गया नॉर्वे। 123 के लिए आप कमेंट करिएगा, 123 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल। और 123 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, जापान हो जाएगा। और कई बार ये प्रश्न आप लोगों से परीक्षाओं में बने हैं। 24 नंबर पे आ जाए हम लोग। लिखा गया है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल है, क्या सिरोही में है, चूरू में है, उदयपुर में है या अजमेर में? मतलब साबरमती, जो साबरमती नदी है ये कहां से निकलती है? 124 के लिए कमेंट करिए, बिल्कुल 124 के लिए कमेंट करिए। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपका बचेगा, 124 का आप लोग आंसर करिएगा। और 124 का बिल्कुल मैक्सिमम मेरे भाई राइट आंसर कर रहे हैं सी, उदयपुर। क्या कर रहे हैं? सी, उदयपुर। और लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। लिखा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सब एक ही में है, स्पेस नहीं लग पाया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे आप कजरी कहते हैं अवस्थित है कहां पर? क्या जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में, या देहरादून उत्तराखंड में है, या कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, या कच्छ गुजरात में है? 125 का सभी से मैं कमेंट चाह रहा हूं कि सब लोग कमेंट करें। 125 में सभी लोग एक बार कमेंट करें। और मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग 525 से ज्यादा अभी भी रुके हुए हैं, और लाइक जरा मैं देखूं एक बार कि आप लोग इस भाई को उत्साहित करने के लिए कितना लाइक किए हैं। और लाइक मात्र 551 है। जो लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक भी कर दीजिए अपने इस भाई को उत्साहित करने के लिए। राइट आंसर 125 का मैं सबका देखना चाहूंगा कि राइट आंसर कितने लोग सही करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले रोशन का मैं देख रहा हूं, दारू राम का देख रहा हूं, अनमोल का देख रहा हूं, ममता का देख रहा हूं, दिलकुश रेगर का देख रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का मैं देख पा रहा हूं राइट आंसर 125 का, मनीषा का देख रहा हूं, मोनू का देख रहा हूं, दिलकुश का देख रहा हूं, मनीषा शर्मा का फिर आ गया, कई बार इनका आ रहा है। चलो ठीक है, मैक्सिमम मेरे भाइयों का राइट आंसर आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। यल के शर्मा का देख रहा हूं, आसमीन बानो का देख रहा हूं, जन्नत माही का देख रहा हूं, सोनू का देख रहा हूं, न्यू टीम का देख रहा हूं, सुशीला का देख रहा हूं, अशोक का है, ललित है, जीत राम है, प्रिंस है, शोकत है, पूजा है, ममता है, मैक्सिमम लोगों का, मनीष है, मनीषा है, प्रिया है, सरिता है, मैक्सिमम लोगों का मैं देख पा रहा हूं, चंद्रपाल है, राकेश साहू है, मीरा है, साकेत है, विक्रम है, मैक्सिमम लोगों का मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी लोग राइट कमेंट किए हैं। और 125 का राइट आंसर आप लोगों का जोधपुर हो जाएगा, राजस्थान। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आ जाइए सर, आप आ जाइए, आपके थोड़ा सा बता दीजिए। आपके बीच में रीजनिंग वाले सर आना चाह रहे हैं, और आप आके अपने प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों से। मैं उसे बता दिया हूं, थोड़ा सा आप भी उत्साहित कर दीजिए, इनको बता दीजिए। कैसे हो भाइयों, सभी लोग कैसी लग रही है क्लास, ये बताओ। हमारा प्रयास आपको पसंद आया है, देख रहे हो उमेश कितनी जी जान से लगे हुए हैं, हम लोग लगातार आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। भाइयों बताओ कैसा लग रहा है ये प्रयास, अच्छा लगा अभी तक कि नहीं लगा, जल्दी बताओ। टीम पूरी देखो जी जान से लगी है। हमने ऐसे नहीं कहा था कि बीएसटीसी में कंफर्म सिलेक्शन कराएंगे, ये मैंने बोला था आपसे, और अभी कहीं जाइएगा तो अभी बाकी है, ज्योग्राफी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। मैं सोचना कि सॉल्व सर आ गए तो क्लास ओवर हो गई, नहीं भैया अभी क्लास बची हुई है, अभी बहुत सवाल बाकी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे साथ बस जुड़े रहिए और कहीं मत जाइए, देख लो प्रयास कितना प्रयास चल रहा है आपके लिए।
लगातार टीम आपको क्लास दे रही है भाव भाई, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, आपको मैंने अपनी क्लास से बताया था कि संडे को शाम को 6 बजे से 200 प्रश्नों के साथ आ रहा हूं। फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, सबको शेयर करना मत भूलना, हर जगह शेयर होना चाहिए। अभी तक मेरे पास किसी का शेयर नहीं आया, फेसबुक से, कहीं से भी, व्हाट्सएप से। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर सबको करिए संडे की क्लास के बारे में। शाम को 6 बजे आपसे मिलेंगे। कल फिर एक और मैराथन होगी, किस सब्जेक्ट की होगी, शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, देखिए दोस्तों, न्यूज आ चुकी है आपकी, कल की मैराथन इंग्लिश है। मैंने कहा था ना, क्लास खत्म नहीं हुई, कल फिर से मैराथन शुरू होगी इंग्लिश की। मेरी क्लास के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक मैं क्लास लूंगा, 1:15 बजे आपको इंग्लिश की मैराथन मिलेगी। कहीं मजा आइएगा, फिर से जी जान से लगेगा। और जैसे आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, वैसे ही जुड़े रहना है। और संडे को शाम को 6 बजे 5 घंटे के लिए फुर्सत होके बैठना, 200 प्रश्न, पुराने सालों में पूछे गए प्रश्न, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। और एक बच्चा कह रहा था, सर क्या पेपर उसी में से आएगा? गारंटी है पेपर उसी में से आएगा, ये श्योरिटी मैं अभी से बोल दे रहा हूं डंके की चोट पर। पेपर दे आके तब रिप्लाई देना कैसा हुआ पेपर, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। उमेश सर भी काफी सवाल बता चुके हैं, आज आपकी क्लास यही एंड की जा रही है। और कल आपको मैराथन मिलेगी इंग्लिश की, जिसका 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इसके लिए तैयार रहिएगा जी जान से, और एकदम लग जाइए हमारे साथ और खूब मेहनत करिए। फाइनल टच में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंदर क्या है नहीं मतलब, ऊपर से सुंदर सा कलर कर दो तो खराब चीज भी अच्छे भाव में बिक जाती है ना? भले वो 6 महीने बाद टूट क्यों ना जाए, ठीक? तो बस ये ध्यान रखना, अभी तक क्या पढ़े नहीं मालूम, लेकिन यहां से आगे मैराथन छूटनी नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि यही है फाइनल टचअप। घर को बाहर से जितना सुंदर पेंट करा दोगे, आने जाने वाला उतनी ही बड़ाई करेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। चलिए, आपसे कल मिलते हैं फिर अपने समय पर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए, उमेश सर से बातें करें, आगे सवाल देखें। बिल्कुल दोस्तों, मैं दिख पा रहा हूं कि सर काफी उत्साहित, शिक्षक भी काफी उत्साहित है आप लोगों को बेहतर करवाने के लिए। जब शिक्षक बहुत उत्साहित है, सहयोग करिए और शिक्षक रूप से आप सभी लोग। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर हम आपसे मिलेंगे ऊर्जा और एनर्जी के साथ।